अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन, आप सबका खैर मकदम है। आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज जो है हम यूनिट नंबर फर्स्ट पर जो है छठा क्लास लेकर आए हैं। सिक्स क्लास है आज का हमारा फर्स्ट यूनिट का। तो आज जो है हम लिसानियात के मुतालिक जो चंद अकवाल है इनको हम आज देखेंगे। ये जो है सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से, इनमें से जो है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे जो है ये सारे अकवाल जो है जो कि लिसानियात से मुतलिक है, इनको आप अच्छे से ध्यान देंगे और अच्छे से जो है आप इनको नोट भी करेंगे ताकि आगे जो है आपको ये काम में जो है बहुत जो है फ़ायदा इनसे मिल जाए। ये अकवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला अकवाल है हमारा, आप पढ़ सकते हैं इसको। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आर्यायी जुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन इनकी अदबी जो है आगाज और इर्तिका में जरूर ताखीर हो जाती। अगर हम देखेंगे, दो बार मैंने देखा इसको जो है अकवाल को पेपर में। एक तो पिछली बार इस क्वेश्चन को जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये कॉल पूछा गया था, और इस बार भी जो एग्ज़ाम हुआ था 18 जून को उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप चाहे देख सकते हैं उस पेपर को, आप देख सकते हैं जो 18 जून को पेपर हुआ था, आप उसको देख सकते हैं। ये कॉल जो है वहाँ पर पूछा गया है, ये किसका कॉल है? तो स्नीति कुमार चटर्जी का कॉल है। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जो है जदीद हिंद आर्यायी जुबानों जो है की पैदाइश हो जाती, लेकिन इनकी अदबी आगाज और इर्तिका में क्या होती? जरूर ताखीर हो जाती। ये कॉल जो है सुनीति कुमार चटर्जी का है। इस बार भी पेपर में ये क्वेश्चन आप देखेंगे। अगर आपने पेपर देखा होगा या नहीं भी देखा होगा तो आप जरूर पेपर देख सकते हैं, उसमें भी जो है अकवाल पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, मीर अमुन ने लिखा है कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई। मीर अमुन ने क्या लिखा है? उर्दू जो है अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के ज़माने में इसने फ़र्क पाया। बहुत इंपॉर्टेंट है। मीर अमुन ने लिखा है कि उर्दू जो है अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के ज़माने में जो है इसने फ़र्क पाया। वहां पे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि एक कॉल आपको दिया जाएगा, वहां पे आपको बोलेंगे कॉल जो है किसका है। जैसे इस बार जो है पेपर में आया था, आपको एक कॉल दिया गया था और बोला गया था ये किसका कॉल है, तो सुनीति कुमार चटर्जी का एक कॉल था। इसी तरह आपको ये भी पूछा जा सकता है ये किसका कॉल है, तो आप क्या कहेंगे? मीर अमुन का कॉल है। आप ये लगा कर आएंगे, मीर अमुन का एक कॉल है। इन्होंने ये लिखा है कि उर्दू जो है अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के ज़माने में जो है इसने फ़र्क पाया। तो इसके बाद अगर हम तीसरा देखेंगे, हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि आवरणों से हुई। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महीद्दीन कादरी ज़ोर का एक कॉल है, हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश जो है प्राकृतों से नहीं बल्कि किससे हुई? आवरणों से हुई। ये महीद्दीन कादरी ज़ोर का जो है कॉल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे। इसके बाद अगर हम देखेंगे, उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेज से निकली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मसूद हुसैन खान का कॉल है, उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेज से निकली है। इसके बाद हम देखेंगे ज्ञानचंद जैन का जो कॉल है, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दिया है। खड़ी बोली को उर्दू की असल किसने करार दिया है? तो ज्ञानचंद जैन ने। इसके बाद जो है माहिर लिसानियात ने आवरणों को हिंद आर्यायी जुबानों के अहद वुस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है। किसने? माहिरीन लिसानियात ने आवरणों को हिंद आर्यायी जुबानों के अहद वुस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है। और इसके बाद जो है लास्ट वाला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मध्य देश की जुबान को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया है? तो गुरेरसन ने दिया है। ये वही गुरेरसन है जिन्होंने जो है मगरिब की पांच बोलियां जो है बताई है, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली। ये जो है गुरेरसन ही के मुताबिक जो है मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पांच बोलियां हैं। और ये कॉल जो है इन्हीं का है, मध्य देश की जुबान को मगरबी हिंदी का नाम गुरेरसन ने ही दिया है। तो ये थे कुछ अकवाल जो कि लिसानियात के मुताबिक बहुत ही अहम थे और हर एक जो है एग्जाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे जो है देखेंगे एग्जाम्स में, जो नेक्स्ट एग्जाम होंगे और जो प्रीवियस पेपर आप उठा के देखेंगे तो ज़रूर जो है इनमें से कोई ना कोई आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। पहला तो मैंने बताया, इसको दो बार जो है मैंने पेपर में देखा है। इसके बाद जो बाकी है सारे इंपॉर्टेंट है। मीर अमुन का भी जो है शायद पूछा गया है और शायद कहीं ना कहीं ये वाला भी एग्जाम में पूछा गया है। आप प्रीवियस पेपर जो उठाएंगे आप ज़रूर जो है उनको वहाँ पर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल जो है हमारा जो है लिसानियत से मुतल कुछ चंद अहम तसानी जो है रह गई थी वो हम यहाँ पे लिखेंगे।
लिसानियात से मुतल्लिक अहम तसानी। कल जो है हमने इनके बारे में पढ़ा है और कुछ रह गई थी कुछ तसानी, और आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे जो रह गई थी, जो तसानी रह गई थी जो कि एग्जाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आज जो है हम उनको कवर कर लेंगे। एहतिशाम हुसैन की अगर हम तसनीफ देखेंगे जो कि लिसानियात से मुतल्लिक है, एहतिशाम हुसैन की हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका जो है, ये तसनीफ जो है किसकी है, एहतिशाम हुसैन की है। ये लिसानियात से मुतल्लिक जो है तसानीफ है, बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे मिर्जा खलील अहमद बेग, इनकी कौन सी तसनीफ है, तो इनकी तसनीफ जो है इसका नाम है उर्दू जुबान की तारीख जो है, तसनीफ भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मिर्जा खलील अहमद बेग की तसनीफ है, और दूसरी जो है इनकी तसनीफ उर्दू की लिसानी तश्कील, ये भी इनकी तसनीफ है। और इसके अलावा भी और एक तसनीफ है जो कि लिसानियात से मुतल्लिक अहम है, लिसानी तनाजुर। ये तीनों तसानीफ जो है जो कि मिर्जा खलील अहमद बेग की है, तो तीनों ही क्या है, बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम तीसरी की बात करेंगे जो रशीद हसन खान की तसनीफ है, इसका क्या नाम है, रशीद हसन खान। आप इनके कॉल भी देखेंगे कि नजरियात जो है जो कि उर्दू जुबान की इब्तिदा के मुतालिक है, उनको आप अलग से लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे इनकी अहम तसानीफा जो है लिसानियत से मुतालिक जो है चंद अहम किताबें हैं, इनको भी आप एक साइड एक पेज में लिखेंगे अच्छे से। और इसके बाद आप लिखेंगे लिसानियत के मुतालिक जो अकवाल है जिनको हमने यहाँ पर लिखा है, इनको भी आप अच्छे से लिखेंगे। रशीद हसन खान की तसनीफ का जो नाम है जुबान और कवायद, इम्पॉर्टेंट है जुबान और कवायद। इसके अलावा उर्दू कैसे लिखें, इसके अलावा उर्दू इमला, ये तस्नीफ भी जो है किनकी है, रशीद हसन खान की है। जुबान और कवायद, उर्दू कैसे लिखें, उर्दू इमला, ये तीनों तसानीफा जो है लिसानियात से मुतलिक तीनों है और बहुत ही अहम है। इसके बाद हम बाकी जो देखेंगे, बाकी जो तसानीफ जो रह गई है इनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि शौकत सब्जवारी की तसनीफ जो है कौन सी है, दास्तान जुबान उर्दू। ये तस्नीफ जो है शौकत सब्जवारी की है, और इसके अलावा जो है उर्दू लिसानियात, ये दोनों तसानीफा जो है बहुत ही ज्यादा अहम है। डॉक्टर शौकत सब्जवारी की दोनों है, दास्तान जुबान उर्दू और इसके अलावा उर्दू लिसानियात। और इसके बाद हम देखेंगे खुर्शीद अहमद सिद्दीकी की कौन सी तसनीफ है लिसानियात से मुतल्लिक, ये जो है उर्दू की लिसानी तारीख। आप बार बार इनको रिपीट करेंगे, आप लिखेंगे तो जरूर जो है आपको याद रहेंगी, इनको बार बार आपको पढ़ना है। खुर्शीद अहमद सिद्दीकी जो है इनकी तसनीफ का नाम है उर्दू की लिसानी तारीख। तो इसके बाद जो है सैयद सुलेमान नदवी, ये भी जो है क्या है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सैयद सुलेमान नदवी जो है इनकी तसनीफ का क्या नाम है, नकोशे सुलेमानी, इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे, 1939, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारी तसानीफात यहाँ पे जो मैंने लिखी है सारी इम्पोर्टेंट है, और ये अकवाल भी जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे सुनीति कुमार चटर्जी जो है इनकी तसनीफ का क्या नाम है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछली बार के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, यूजीसी नेट के का जो पेपर हुआ था पिछली बार, इससे पहले
वहां पे जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया था, सुनीति कुमार चटर्जी की तस्नीफ का क्या नाम है? लिसान ऐसे मुतलिक बहुत ही अहम है, इनका नाम जो है बहुत ही ज्यादा अहम है लिसानियात से मुतल्लिक। तो इनकी किताब का क्या नाम है? हिंद आर्याई और हिंदी। हिंद आर्याई और हिंदी जो है किसकी तसनीफ है? तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी की तसनीफ है। और इसके अलावा जो है और एक जो है यहाँ पे देखेंगे दो तीन जो है किताबें हैं जो कि एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है, उनको भी देखेंगे। जैसे कि प्रोफेसर नसीर अहमद खान की तसनीफ। प्रोफेसर नसीर अहमद खान की तसनीफ का क्या नाम है? उर्दू लिसानियात। उर्दू लिसानियात ये जो है नसीर अहमद खान, यानी कि प्रोफेसर नसीर अहमद खान की ये तसनीफ है उर्दू लिसानियात। और इसके बाद हम देखेंगे आगे जॉर्ज ग्रेडसन, इन्होंने ही जो है मगरबी हिंदी की पांच बोलियां जो है बताई है। और इनका ये कॉल है मध्य देश की जुबान को मगरबी हिंदी का नाम गुरेरसन ने ही दिया है। और इनकी तसनीफ का क्या नाम है? लिसानियाती जायजा हिंद। लिसानियाती जायजा हिंद, इस नाम को हम अगर हम देखेंगे अंग्रेजी में तो लिंग्विस्टिक, यानी कि लिसानियात, लिंग्विस्टिक हम लिसानियात को बोलते हैं। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि लिसानियाती जायजा हिंद, ये तसनीफ जो है जॉर्ज ग्रेडसन की है। और इसके अलावा हम देखेंगे और एक तसनीफ है जो कि बहुत ही अहम है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। और इसी के साथ साथ जो है इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। जैसे कि उर्दू की कहानी, ये किसकी तसनीफ है? उर्दू की कहानी किसकी तसनीफ है? कल भी मैंने बोला था सुहैल बुखारी। और इसके अलावा भी किसी और की तसनीफ का नाम है, सुहैल बुखारी की तसनीफ है। और इसके अलावा भी किसी और ने किताब जो है किसी और की किताब का भी ये नाम है, जैसे कि एहतिशाम हुसैन। आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं जो है हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में दिया होगा सुहैल बुखारी तो यही सही है, ये किताब जो है इनकी भी है। और अगर आपको ऑप्शन में एहतिशाम हुसैन दिया हुआ होगा तो ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि तसनीफ जो है इन दोनों की है, इनकी भी तसनीफ का यही नाम है और इनकी भी तसनीफ का यही नाम है। तो सुहैल बुखारी एहतिशाम हुसैन की तसनीफ जो है उर्दू की कहानी। तो बस आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप जो है ये सारी चीजें आपको समझ में आती होंगी, उम्मीद करते हैं हम। तो इस क्लास को हम आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।